बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में बानी हुई हैं। कंगना ने हाल ही में फिल्म कार करण जौहर पर बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर हमला बोला था, जिसके बाद कई फिल्मी स्टार्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। अब कंगना ने ऋतिक रोशन के साथ अपने संबंधों पर एक निजी टीवी चैनल पर कई सारे खुलासे किए हैं। कंगना ने यहां साफ तौर पर कहा कि वह ऋतिक से इतना प्यार करती थी कि वे उनसे शादी करना चाहती थी। टीवी शो पर कंगना ने ऋतिक के साथ अपने संबंधों को लेकर खुलासा किया कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। वह ऋतिक से शादी करना चाहती थी और यहां तक कि दोनों के बीच शादी की बात हुई भी थी। इस पर ऋतिक ने कंगना से कहा था कि वे उनसे शादी नहीं कर सकते और न ही सार्वजनिक रूप से उनसे प्यार का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि वे शादीशुदा हैं और उनके परिवार में ऐसा हो पाना नामुमकिन है। ऋतिक ने किया था शादी का वादा। इसके बाद कंगना ने उनसे दूरियां बनाने की कोशिश भी की। कंगना के अनुसार क्रिस्टीन के लिए जब उनके पास ऑफर आया तो कंगना ने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन 6 महीने तक उनको इस फिल्म में काम करने के लिए मनाया गया। फिर अंत में जाकर कंगना ने इस फिल्म के लिए हामी भर दी। इसके बाद ऋतिक ने पत्नी से तलाक के बाद कंगना से शादी का वादा भी किया था, लेकिन बाद में ऋतिक कंगना को पहचाने से भी इनकार कर दिया। टीवी शो के दौरान कंगना ने कहा, क्वीन रिलीज होने से ठीक पहले मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। जब क्वीन हिट हो गई तो मेरी तारीफ करने लगा, कहने लगा मुझे तुम पर गर्व है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैंने साफ साफ पूछा कि मुझसे शादी करनी है कि नहीं करनी है। 15 दिन पहले तुम मेरे से बदतमीजी कर रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया? इस बात पर नाराज हो गया, कहने लगा कि सफलता मेरे सिर चढ़ गई है। कंगना के दावे के अनुसार उन्होंने ऋतिक को कुछ 2-4 मेल किए थे, लेकिन 1000 से ज्यादा मेल जिनके बारे में मीडिया को बताया गया था, वे सारे मेल ऋतिक ने खुद ही खुद को किए थे। कंगना ने कहा, 2014 में हम लोगों का रिलेशन बिल्कुल खत्म हो गया था, उसने वह मेल खुद को ही भेजे थे। 2 साल तक मेल आते रहे, तुम वे सारे मेल 2 साल तक इकट्ठा करते रहे। अरे जिसके साथ तुम 7 साल काम कर चुके हो उसे फोन करके मना नहीं कर सकते थे। हालांकि ऋतिक और कंगना के बीच विवाद कोई नया नहीं है। काइट्स और क्रिस्टीन में काम कर चुके कंगना और ऋतिक एक दूसरे को कानूनी नोटिस भी भेज चुके हैं। ऋतिक कंगना से प्रेम संबंध को अस्वीकार कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में कंगना का कहना है, वे लोग कहते हैं कि मुझे एक सपोर्ट करेंगे, लेकिन 1 साल हो गए हैं और मैं अभी तक इसका इंतजार कर रही हूं। ऋतिक ने किया था शादी का वादा। इसके बाद कंगना ने उनसे दूरियां बनाने की कोशिश भी की। कंगना के अनुसार क्रिस्टीन के लिए जब उनके पास ऑफर आया तो कंगना ने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन 6 महीने तक उनको इस फिल्म में काम करने के लिए मनाया गया। फिर अंत में जाकर कंगना ने इस फिल्म के लिए हामी भर दी। इसके बाद ऋतिक ने पत्नी से तलाक के बाद कंगना से शादी का वादा भी किया था, लेकिन बाद में ऋतिक कंगना को पहचाने से भी इनकार कर दिया। टीवी शो के दौरान कंगना ने कहा, क्वीन रिलीज होने से ठीक पहले मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। जब क्वीन हिट हो गई तो मेरी तारीफ करने लगा, कहने लगा मुझे तुम पर गर्व है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैंने साफ साफ पूछा कि मुझसे शादी करनी है कि नहीं करनी है। 15 दिन पहले तुम मेरे से बदतमीजी कर रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया? इस बात पर नाराज हो गया, कहने लगा कि सफलता मेरे सिर चढ़ गई है। कंगना के दावे के अनुसार उन्होंने ऋतिक को कुछ 2-4 मेल किए थे, लेकिन 1000 से ज्यादा मेल जिनके बारे में मीडिया को बताया गया था, वे सारे मेल ऋतिक ने खुद ही खुद को किए थे। कंगना ने कहा, 2014 में हम लोगों का रिलेशन बिल्कुल खत्म हो गया था, उसने वह मेल खुद को ही भेजे थे। 2 साल तक मेल आते रहे, तुम वे सारे मेल 2 साल तक इकट्ठा करते रहे। अरे जिसके साथ तुम 7 साल काम कर चुके हो उसे फोन करके मना नहीं कर सकते थे। हालांकि ऋतिक और कंगना के बीच विवाद कोई नया नहीं है। काइट्स और क्रिस्टीन में काम कर चुके कंगना और ऋतिक एक दूसरे को कानूनी नोटिस भी भेज चुके हैं। ऋतिक कंगना से प्रेम संबंध को अस्वीकार कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में कंगना का कहना है, वे लोग कहते हैं कि मुझे एक सपोर्ट करेंगे, लेकिन 1 साल हो गए हैं और मैं अभी तक इसका इंतजार कर रही हूं।